इंस्टाग्राम को अगर आप अपने सेलुलर डेटा यानी कि मोबाइल डेटा से यूज करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, अगर आप इंस्टाग्राम को एक या दो घंटे के लिए अगर आप उसे स्क्रॉल करते हैं और अगर आप रील वगैरह देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक या दो घंटे के अंदर ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो 50% डेटा है या फिर जो 100% डेटा है वो खत्म हो चुका है। अरे तेरी भाई ये शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर जैसे आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो अगर आपका भी डेटा जल्दी खत्म हो जाता है तो कैसे आप उसे सेव कर सकते हैं ताकि आपका जो डेटा है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। वैसे तो जियो वगैरह में आपको अभी जो 5G डेटा है वो आपको फ्री ट्रायल में देखने को मिल रहा है तो उस पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मोबाइल फोन में अभी सिर्फ 4G ही सपोर्ट करता है तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम 100% देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम को जैसे आप ओपन करेंगे आपको एक या दो घंटे के अंदर आपका जो डेटा है वो खत्म हो जाएगा, तो कैसे आप यहाँ पर अपना जो डेटा है उसे आप जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को सेव कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको इंस्टाग्राम ही एक सेटिंग देता है उसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके बाद आपका जो डेटा है थोड़ा सेव होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो डेटा है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक जो है सर्वाइव कर पाएगा। तो कैसे आप उस सेटिंग को अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जाना होता है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कॉर्नर पर आपको 3 लाइन ऑप्शन मिलते हैं, उस पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना होता है। सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो सेटिंग के जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा यूजर्स एंड मीडिया क्वालिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है डेटा सेवर है, इसे आपको ऑन करना है। जैसे आप डेटा सेवर ऑप्शन को आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो रील्स होते हैं या फिर आपकी जो पोस्ट होती है, जो फोटोज होती है, जो हाई रेजोल्यूशन में अपलोडेड है वो जो है एडवांस में यहाँ पर जो है रीलोड नहीं होती है, उसे डाउनलोड नहीं करता है, तो वो यहाँ पर सबसे पहले बंद करेगा जिससे कि आपका जो डेटा है वो सेव होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप जो या फिर अगर आप जो है कोई रील्स वगैरह अपलोड नहीं करते हैं हाई रेजोल्यूशन मीडिया, उसे आपको सिर्फ ओनली वाईफाई पे रखना है। और इसके बाद आपको एक ऑप्शन और मिलेगा अपलोड एट हाई रेजोल्यूशन, तो आपको इसे जो है ऑफ ही रखना है। अगर आप जो है किसी रील को या फिर फोटो को अगर आप अपलोड नहीं कर रहे हैं तो इसे सिर्फ आपको ऑफ रखना है ताकि आपका जो डेटा है वो थोड़ा जो है सेव रहे। तो इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपका जो डेटा है उसे जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक आप सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप अपने सेलुलर डेटा से इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। दोस्तों अगर आपका भी इंस्टाग्राम को यूज करते ही आपका जो मोबाइल फोन का डेटा है वो आपको एक या दो घंटे के अंदर आपको मैसेज दे देता है कि आपका जो 100% डेटा है या फिर जो 50% डेटा है वो खत्म हो चुका है, तो इस सेटिंग को अप्लाई करके आप अपने मोबाइल का जो डेटा है उसे आप सेव कर सकते हैं ताकि आप जो लॉन्ग टाइम तक अपना जो इंटरनेट है उसे यूज कर पाए। तो इस सेटिंग को अपने इंस्टाग्राम में जरूर अप्लाई कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।